हेलो एंड वेलकम। तो जनाब चलिए चलते हैं एक सफ़र पर, मिलाते हैं आपको नए नए लोगों से, दिखाते हैं अजनबी हम सफ़र। कहाँ उधर कहाँ देख रहे हैं जी? तो ये हैं हमारे सूफी भाई। हर एक शख्स है इनसे वाकिफ, क्योंकि इनकी तबीयत है सबसे मुख्तलिफ। इन्हें हम सभी अरशद भाई के नाम से याद करते हैं। आगे मिलाते हैं इनसे बड़ी ही तबीयत वाले, दिल वाले और बहुत कुछ और वाले भी हैं। भाई साहब की तरफ बस कैमरा होना चाहिए, पोज तो फिल्मी ही निकल जाते हैं। तो लीजिए उतर गए ट्रेन से और पढ़ रहे हैं हम की टिकट काउंटर की तरफ। टिकट लेने के बाद हम चल पड़े फेरी में। देखा ना आपने कैमरे में खुद को कैद करवाने की कितनी बेताबी है इनको। गंगा की लहरों में फेरी दूसरे किनारे की ओर हावड़ा ब्रिज को दिखाती हुई चल रही है। हमारे सामने हावड़ा स्टेशन है। वापसी पर फिर हमें गंगा को पार करना था, पर इस वक्त शाम के साए ने ब्रिज के मंजर को चार चार लगा दिया था। इंतजार कीजिए खत्म, देखिए ये हैं हम।
रात के काले साए ने हम सबको आकर घेरा था, हम सब भी आखिर दिन के थके थे, बिस्तर पर भी जाना था। हर आखिरकार सड़कों के हर एक मोड़ से गुजरते हुए बकरिया स्ट्रीट को आ पहुँचे, जहाँ पर हमने बितानी थी रात। सफ़र के आखिर में फिर से किसी और ट्रेन का इंतज़ार, पर यह सफ़र अब घर की तरफ के लिए है। गालिब ने कहा था, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय।